है. सो एवरीवन हु हैज इंस्टॉल्ड यूनिटी, सो यूनिटी हब, सो दे मस्ट बी सीइंग दिस स्क्रीन. और हां, जस्ट स्टार्ट यूनिटी हब एवरीवन. टुडे विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज यूनिटी हब, व्हाई डू यूनिटी हब एंड हाउ टू यूज इट. सो आई अज्यूम दैट एवरीवन हैज ओपन यूनिटी हब. यस सर. And for those who doesn't have Unity Hub, we have installed Unity 5.6 or 5.7. So for them, Unity Hub is not there, so it's okay if they don't have. So this is my Unity Hub. Well, mine version is Unity Hub 2.3.2. Okay, fine. So in this, we have four tabs in the left panel. And we have this, this it says GA. And some buttons here in the project tab, and we have this install tab. So first we'll check this part. So this shows if I'm logged in or not, and if I'm logged in, what account I'm using. And I'm logged in. So this is the account handling or logging in. This is used. In the if you go to the install tab, so it will show what all Unity you have installed or what all Unity versions you have installed. So Unity Hub is provides you a way to manage Unity. Unity is something where you actually create the game or make games. You don't make games using Unity Hub, you create games using Unity. Using this add button, we download a Unity, also sometimes called Unity Editor. So Unity is something where we create the actual game. And in my computer, I have downloaded three Unities. Unity 2018, Unity 2019.3 and 2019.4. So three Unity I have downloaded, and I can create games using either of the Unity versions. Okay. So once you install, maybe on your home screen, if you allow, so on the desktop as well, you will find Unity Hub icon, as well as you will find these icons as well. So I have downloaded three Unities, which this is 2019.3, one icon for that, another for 2019.4 and 18.4. So I have three, but only one is fine. So whoever has one, which is fine, and they must see one icon here. So install mein bas hum log ensure kar le rahe hain yahan pe, ye dekhiye ki yes, we have Unity installed, and iske baad hum log project banayenge. तो सबके पास एटलीस्ट एक टाइल दिख रहा होगा जिसमें 19 वर्जन होगा या जो भी होगा. अब आते हैं प्रोजेक्ट पे. प्रोजेक्ट टैब क्या है? प्रोजेक्ट टैब, ये टैब हमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाया है उसको यहाँ पे दिखाता है लिस्ट में. एंड यहाँ से ओपन करना भी आसान है. तो जस्ट इट मैनेजेस और लिस्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स एट वन प्लेस. दैट्स ओनली बेनिफिट हियर. अब नया प्रोजेक्ट बनाना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस न्यू बटन. जैसे न्यू बटन हम लोग क्लिक करते हैं तो एक्चुअल जो यूनिटी है वो खुल के आता है. तो जिनके पास 5.7 है उनके पास भी या फिर 6 है, उन्हें भी ये ऑप्शन दिखता होगा न्यू का. तो हम लोग यस सर. तो अब हम लोग एक नया 3D प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं. एंड यहाँ पे हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें प्रोजेक्ट का नाम देना है और हम लोग प्रोजेक्ट कहाँ पे रखने वाले हैं. ठीक है सर, मेरे इसमें एडमिन में आ रहा है, सी यूजर एडमिन. ठीक है, एक तो ये है कि आप लोग अपने हिसाब से इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं जहां भी डालना है. पहले प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं इसका. बाकी लोग माय फर्स्ट 3D प्रोजेक्ट ये भी नाम रख सकते हो, व्हिच आई यूज्ड टू डू. और एक और चीज, जितने भी लोग हैं जिनको कोडिंग करना है या गेम बनाना सीखना है तो वो लोग स्पेस के साथ नाम देना भूल जाए. विदाउट स्पेस ऐसे नाम लिखा करो और जिसमें हर एक वर्ड जो है न्यू वर्ड उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. तो स्पेस के साथ नाम मत दिया करो. सर योर एम इज स्मॉल. सर योर एम इज स्मॉल. थैंक्स फॉर पॉइंटिंग. ठीक है, और वो यूनिटी एक डिफॉल्ट लोकेशन दिखा रहा होगा. अगर वो डिफॉल्ट लोकेशन पसंद नहीं है तो यू कैन चेंज द लोकेशन by clicking on these three dots. And maybe जैसे डेस्कटॉप में मुझे कहीं और डालना है किसी और फोल्डर में, तो मैं नया फोल्डर भी बना लूंगा. Maybe I'll call it
university. Yeah, create पे क्लिक कर दे. Hold on. Eastern Gaming. और मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूंगा तो ये फोल्डर लोकेशन चेंज हो गया. Eastern Gaming हो गया. बनाएंगे. सॉरी क्या? सर फोल्डर कैसे बनाएंगे? फोल्डर के लिए मैंने बताया था यहाँ पे जो फोल्डर में जाना है तुम चले जाओ. मैं डेस्कटॉप पे चला गया था. मैं डेस्कटॉप पे हूँ और यहाँ पे न्यू फोल्डर बटन आता है. इस पर क्लिक करोगे या फिर दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक कर लो और फिर न्यू पे जाके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो. यहाँ से नया फोल्डर बनेगा कुछ भी, इसका नाम डालो और फिर इसे सिलेक्ट कर लो अगर वहाँ पे गेम रखना है तो. मैं अपना गेम यहाँ पे रख रहा हूँ Eastern Gaming में. मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया जो कि डेस्कटॉप पे है एंड दिस इज माय पाथ. बट अदर्स इफ यू डोंट वांट टू चेंज दिस लीव इट एज इट इज. जो भी डिफॉल्ट पाथ आ रहा है यू कैन लीव इट एज इट इज. एंड वंस डन देन वी हैव टू क्रिएट, हिट द क्रिएट बटन. एनीबॉडी हु इज फेसिंग प्रॉब्लम और हु आर नॉट एबल टू, हु आर नॉट ऑन दिस स्क्रीन. वो इंस्टॉलाइजिंग प्रोजेक्ट टेम्पलेट आ रहा है. हाँ तुमने क्रिएट बटन दबा दिया इसलिए. बाकी जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो सर क्रिएट दबा दें. हाँ अगर लोकेशन लोकेशन डिफॉल्ट ही रख लो, नाम कुछ भी डाल दो अपने हिसाब से. स्पेस मत देना, ऐसे नाम रखा करो, ज्यादा रीडेबल और बेटर होता है. जस्ट हिट द क्रिएट बटन. जैसे क्रिएट बटन हिट करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जिनका सिस्टम स्लो है उसमें ये भी 5 मिनट से ज्यादा ले ले. तो सर रिजॉल्विंग पैकेजेस में टाइम ले रहा है वो. हाँ जिनका सिस्टम स्लो है उसमें थोड़ा अच्छा खासा टाइम लेगा, ये 5 मिनट से भी ज्यादा ले सकता है. जिनका फास्ट है उसमें 2-3 मिनट लेगा. जिनका प्रोजेक्ट बन गया होगा उनको कुछ ऐसा स्क्रीन दिख रहा होगा. सो ये स्क्रीन सबको दिख रही होगी या फिर कुछ लोग को दिख रहा होगा, कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा. तो ये स्क्रीन कई बार आता है जब आपके पास यूनिटी वर्जन पुराना वाला हो एंड कुछ नया रिलीज हुआ हो. तो यहाँ पे मुझे नया वर्जन यूनिटी का इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है. अगर मैं डाउनलोड बटन दबाता हूँ तो ये एक नया यूनिटी वर्जन इंस्टॉल करेगा जिसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लेगा बिकॉज इसका साइज 1 GB के अराउंड लगभग होता है. तो वो मुझे नहीं करना है. दिस वर्जन जो भी मेरा है 2019 डॉट, ठीक है. बाकी सारे लोग स्किप कर दो, ये डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि बहुत टाइम लेता है और हमारे पास सफिशियंट यूनिटी वर्जन है. ठीक है, जिनका भी ये स्क्रीन आ चुका होगा ये एक्चुअल यूनिटी है जिसको यूनिटी एडिटर भी कहते हैं. एडिटर बिकॉज वी कैन एडिट गेम्स हियर, एडिट अपडेट गेम्स हियर, सो इसे यूनिटी एडिटर कहते हैं. इसमें बहुत कुछ आ रहा है और इन सब का मतलब हम लोग एक एक करके समझते हैं. ठीक है, तो पैरेलली ये स्क्रीन समझते हैं ये स्क्रीन का क्या मतलब है. तो हम लोग जो भी गेम खेलते हैं चाहे वो 3D गेम हो चाहे 2D गेम हो, चलो एंग्री बर्ड का एग्जांपल लेते हैं. तो एंग्री बर्ड में स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज में कुछ बर्ड्स होते हैं और कुछ सेटअप होता है, मे बी स्टोन्स, सम बॉम्ब और सम नेमेस. और 3D गेम में भी एक सीन होता है 3D जहाँ वी कैन वॉक, वी कैन रन, वी कैन शूट और समथिंग लाइक दैट. सो ये वो सीन व्यू को डिस्प्ले करता है. ये पोर्शन सीन व्यू है जहाँ आप एक सीन क्रिएट कर सकते हैं, अ सीन ऑफ द गेम दैट कैन बी 2D और 3D गेम. सो दिस विंडो शोज यू दैट सीन, अ सिंगल सीन ऑफ द गेम. इस सीन में जितने भी आइटम्स हैं, जैसे एंग्री बर्ड का एग्जांपल लेंगे तो उसमें बर्ड्स होते हैं, तो जितने भी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिखाते हैं. जो भी आइटम्स इस सीन में इंपॉर्ट है वो यहाँ पे इस विंडो में दिखता है, हायरार्की विंडो इसे कहते हैं. यहाँ ये पार्ट है इंस्पेक्टर विंडो और इंस्पेक्टर विंडो वेलकम बैक व्हाट इट इज एंड दिस इज द लास्ट पार्ट विच इज प्रोजेक्ट विंडो. एंड प्रोजेक्ट विंडो में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे रखते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड. सो अभी के लिए ये जो सीन है उस सीन का नाम यहाँ पे दिखा रहा है सैंपल सीन. और इस सीन में दो आइटम दिखा रहा है, मेन कैमरा एंड डायरेक्शनल लाइट. इसमें दो आइटम ऑलरेडी है, इसमें लाइट है और कैमरा है. इस सब के बारे में डिस्कस थोड़ा बाद में करेंगे, व्हाट इज दिस कैमरा एंड व्हाट इज दिस लाइट एंड हाउ दे वर्क, ये थोड़ा बाद में बात करेंगे.
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीन में एक नया आइटम ऐड करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी ये सीन पूरा पूरा खाली दिख रहा है, मतलब पूरा खाली आकाश दिख रही है और धरती भी इनफाइनाइट तक दिख रही है, ये खाली इसमें कुछ। यस सर, मेरा सर सैंपल सीन नहीं दिखा रहा है सर, मैं दिखा रहा है यूनिटी लीड। ऐसी स्क्रीन दिख रही है तुम्हें ये पार्ट? यस सर, यस सर ऐसी सर, लेकिन सर जहाँ पे सर सैंपल सीन लिखा है ना सर, वहाँ पे सर लिखा हुआ है यूनिटी लीड। ओके, हो सकता है मतलब हमारे वर्जन, हमारा जो यूनिटी वर्जन इसमें ऐसा दिखता है, तुम्हारे यूनिटी वर्जन में कुछ और होगा, व्हिच इज फाइन, नाम यू कैन रीनेम इट आल्सो, बट दिस नेम दैट नेम इज आल्सो फाइन, बट आइटम्स उसमें यही दोनों होने चाहिए, कैमरा एंड लाइट। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इस सीन में कुछ आइटम ऐड करेंगे, तो हम लोग इस सीन में एक ग्राउंड ऐड करने वाले हैं, ग्राउंड जिसपे सारा खेल होगा, तो उसके लिए सबको यहाँ पे प्लस बटन या फिर क्रिएट लिखा हुआ। ओके, सो अब हम लोग कुछ नया आइटम ऐड करने वाले, तो जिसका किसी के लिए क्रिएट लिखा होगा ऑप्शन और किसी के लिए प्लस आइकन आ रहा होगा, उस पर जाना है और वहां पे 3D ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, 3D ऑब्जेक्ट में जाके प्लेन करके है, विल ऐड प्लेन। सर वैसा आ गया था, सर्कल बन गए दो तीन। हाँ ठीक है, वो सर्कल बनेगा या फिर क्या बनेगा वो डिपेंड करता है यहाँ पे टॉप में कौन सा आइकन सिलेक्टेड है, मेरे केस में मूव टूल सिलेक्टेड है, दिस इज मूव टूल, तो इसलिए ऐसा आ रहा होगा, आ रहा है। तुम लोग मेरे इसमें दोनों आ रहे हैं सर, सर्कल भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो तुम्हारे केस में मे बी ऐसा कुछ सिलेक्टेड होगा, दिस इज हाँ सर, ये सर ऐसे ही आ रहा है। तो एक काम कर लो, अगर ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद क्या दबाना है, हैंड टूल पे क्लिक कर लो, व्होएवर ही, ठीक है हाँ फिर से बोलना सर, 3D प्रोजेक्ट पे जाने के बाद क्या दबाना है? हाँ, तुम्हें प्लेन का ऑप्शन दिख रहा है क्या 3D ऑब्जेक्ट में? यस सर, यस सर, बस प्लेन पे क्लिक कर दो। पर मेरा अभी तक ऐसे ही आ रहा है, मैंने हैंड टूल ऊपर में हैंड टूल है। यस यस सर, ठीक है। अब हमने किया क्या है, ये जो सीन था जो कि एकदम खाली दिख रहा था, उसमें हमने एक प्लेन ऐड किया है, और जैसे हमने प्लेन ऐड किया यहाँ पे सीन व्यू में तो दिख रहा है, प्लस ये आइटम इस सैंपल सीन में या फिर जिसका जो भी सीन है उसमें भी एडिट दिखा रहा है प्लेन। यस सर, और जब तुम ये आइटम सिलेक्ट करोगे तो उस आइटम का डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, जो बहुत कुछ है, अभी इसमें नहीं जाते हैं, थोड़ा इसको बाद में समझेंगे। ओके, और यहाँ पे सबके लिए तुम्हें स्टार बन के आ गया होगा, ये स्टार इंडिकेट करता है कि तुम्हारा जो टीम है उसमें कुछ नया चेंज हुआ है जो कि सेव नहीं हुआ है, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस बटन दबाओगे तो वो सेव हो जाएगा। हाँ दबा दो, और इनफैक्ट जब भी स्टार हो कंट्रोल एस तुम्हें दबा सकते हो, ताकि तुम्हारा जो भी गेम में चेंज करो वो सेव होता रहे। सर हो गया, दौड़ भी हट गया। ठीक है, मेरे प्लेन में एरो सर, 3 एरो। हाँ, तुम अगर ये यहाँ पे हैंड टूल यूज करोगे तो वो सारे एरो दिखने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो यूज कर, हैंड टूल यूज करना है क्या? हैंड टूल पे क्लिक कर दो तो एरो चले जाएंगे, देखो तुम्हारा एरो, अगर तुम मूव टूल सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट दिस आइटम एंड द मूव टूल, ये तीनों एरो आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे रोटेट टूल है, रोटेट टूल क्लिक करने कुछ ऐसा आ जाता है, दिस इज स्केल टूल, कुछ ऐसा आएगा, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, हां ये ट्रैक टूल है, और ये ऑल टूल है, तो तुम लोग हैंड टूल पे क्लिक कर लो ताकि नॉर्मल ऐसा आ जाए। अब हम लोग यूनिटी को कैसे यूज करना है थोड़ा समझते हैं। सारे लोग लैपटॉप में या कंप्यूटर में, पीसी में, कीबोर्ड में ऑल्ट की होगा, ऑल्ट की, जैसे एक ऑल्ट की प्रेस करोगे ये जो हैंड है वो आई बन जाएगा। ये भी इसको कैंसिल करे। हाँ सर, हाँ कुछ करो, कुछ नहीं करो, ए वी सर, राइट क्लिक से भी आई बन जाता है। हाँ, राइट क्लिक से भी बन जाता है, बट ऑल्ट की यूज करो। सब लोग म्यूट पे रख लो अपने आप को, अगर कुछ बोलना है तभी म्यूट अनम्यूट करो। पूरा दिख रहा है यार पास क्या?
ठीक है सब लोग अपने आप म्यूट कर लो, मेरे सिर्फ बोलना है तभी अनम्यूट करो। तो ठीक है ऑल्ट की सब लोग दबाएंगे और जैसे ऑल्ट की दबाएंगे ये आई बन जाएगा स्क्रीन पे। अब आई बनने के बाद तुम्हें करना क्या है, सो सब लोग ऑल्ट की दबाएंगे, ऑल्ट की दबा से आई बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है उन्हें, ठीक है इससे पहले सबके माउस में, आई होप सबके पास माउस है ही, माउस में जो स्क्रॉलिंग है स्क्रॉल ऑप्शन अगर तुम स्क्रॉल करते हो तो स्क्रीन बड़ा होता जाएगा, जूम इन होते जाएगा। हाँ। और वापस स्क्रॉल बैक करते हो तो ये छोटा होता जाएगा। Is that working for everyone? ये सबके लिए काम कर रहा है जूम इन एंड जूम आउट माउस के स्क्रॉल से? Yes, sir. ठीक है तो इससे हम लोग जूम इन और जूम आउट करते हैं। और गेम बहुत बड़ा सेटअप हो चुका है तो हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर उसे देखना पड़ता है। जैसे कि पबजी ले लो, पबजी में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, अगर तुम पूरा ग्राउंड क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू मूव अराउंड। और प्लस तो ये जूम फंक्शन यूजफुल है। दूसरा इस ग्राउंड को मुझे या फिर सीन को मूव करना है तो ये हैंड टूल हम लोग यूज करते हैं। हैंड टूल तुम्हें सिलेक्ट करना है, हैंड दिखना चाहिए, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करो एंड होल्ड इट एंड देन स्टार्ट मूविंग इट। सर हाँ बोलो। सर कैन यू रिपीट? सो सबसे पहले हम लोग जूम की बात कर रहे थे तो माउस में जो स्क्रॉल हो स्क्रॉलर है उसको अगर तुम स्क्रॉल करते हो बैक एंड फॉरवर्ड तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। ठीक है ओके सो दिस थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो वंस यू हैव हैंड टूल सेलेक्टेड होल्ड योर माउस लेफ्ट बटन एंड देन यू कैन मूव अराउंड। सो एवरीवन ट्राई दिस थिंग एंड let me know if I'm not able to do this. Excuse me, sir. Yes. Okay, so I think everyone has tried this thing and zoom in and zoom out. Third thing that we are going to learn is alt key. So press the alt key and then hold your mouse left key down and move the mouse. You will be able to rotate it 360 degree up and down. Sir, please repeat it. So press alt key first, so this will become I, your cursor will become I when you are holding your alt key and then press your mouse lift button, keep it pressed and then start moving your mouse. Sir, it's more easier. Yeah, so everyone try this thing. If someone is not able to do this, let me know. So for that I, we have to continuously press the alt key, right? Yes, you have to keep alt key pressed as well as mouse left key pressed and then move the mouse. Okay, sir. So if this is done, we'll go to the next part. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें हम लोग नया नया ऑब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं इस सीन में। तो फिर से या तो इस प्लस बटन क्लिक कर लो या फिर इस पेन में जाके राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन दिखाएंगे इंक्लूडिंग 3D ऑब्जेक्ट एंड इस बार हम लोग इसमें एक सिलेंडर ऐड करने वाले हैं। तो क्लिक द सिलेंडर बटन एंड प्रॉब्लम दिस, ये सिलेंडर जो है ये ग्राउंड के नीचे है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो ये ग्राउंड के नीचे है, इसे ग्राउंड के ऊपर लाना होगा या फिर ग्राउंड को ही नीचे भेजना होगा। ठीक है तो सिलेंडर जो है ये ग्राउंड के नीचे चला गया है तो हम लोग इसको ऊपर कैसे लाएंगे? तो हमें सिलेंडर को मूव करना है ऊपर। ऊपर है मौसम पर, तुम्हारे में ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे में नीचे चला गया तो मुझे इसे मूव करना है ऊपर, ग्राउंड के ऊपर लाना है मुझे, तो मैं कैसे लाऊंगा? सर हाँ तो मेरा ऊपर और उसको को कलर्ड है। अच्छी बात है, अभी के लिए कलर इग्नोर करेंगे हम लोग, कलर वाला पार्ट बाद में लाएंगे। तो जो भी जिसको कलर दिख रहा है लेट इट बी, ठीक है। और ये पोजीशन ऊपर या नीचे ठीक है अपने हिसाब से गया है, हम लोग उसे सही कर सकते हैं। तो वो मैं सीख, जैसे मेरे केस में है ये बहुत नीचे है, ग्राउंड के नीचे चला गया है, इसे ऊपर कैसे लाना है या फिर हम लोग सीखेंगे मूव कैसे करते हैं। तो मूव के लिए हम लोग मूव टूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड हैंड की बात हुआ था वो मूव टूल है। पहले तो ये सिलेंडर मैंने मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेंडर सिलेक्ट किया और उसके बाद हम लोग मूव टूल सिलेक्ट करेंगे।
मूव टूल सिलेक्ट करेंगे तो सारे एरोस दिखने लगे हैं। इन एरोस का क्या मतलब है, तो इन एरोस का यूज करके हम इसे मूव कर सकते हैं, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, या फिर ऊपर। मुझे अभी इसको ऊपर मूव करना है, तो मैं इस पे माउस क्लिक करूंगा और फिर ड्रैग करके ऊपर लाना इसे, ठीक है सर? एक बार रिपीट कीजिए सर, मूव कैसे किया? तो ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे सैंपल सी में जिस ऑब्जेक्ट को तुम्हें मूव करना है उसे पहले सेलेक्ट कर लो। तो मुझे सिलेंडर को मूव करना है, मैं सिलेंडर सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे तुम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसका कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगता है इंस्पेक्टर विंडो में। वेलकम, इस पे हम लोग आते हैं बाद में। यहाँ पे खाली है मेरे इंस्पेक्टर विंडो? यस सर, मेरा भी खाली है। खाली तब होगा जब तुम लोग यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करते हो, हो गया सर, यस सर, इंस्पेक्टर विंडो में उस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का कुछ सारे प्रॉपर्टीज दिखाने लगा। इसके बारे में हम सीखेंगे धीरे धीरे, अभी कैसे इग्नोर करेंगे। यस सर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमने सिलेंडर सेलेक्ट किया और उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है, और मुझे सिलेंडर को मूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे मूव टूल पे, और मूव टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो तीनों एरोस दिखने लगेगा। इन तीनों एरो का यूज करके हम लोग मूव कर सकते हैं। मान लो मुझे इधर भी मूव करना था और इधर भी ब्लू और रेड डायरेक्शन मूव करना है, तो मैं यहाँ पे जो येलो बन के आ रहा है उसे क्लिक करूंगा एंड आई कैन ड्रैग इट अराउंड। तो ड्रैग जो करना होता है, माउस प्रेस्ट रखना है और सर क्या करना है, मूव करने के लिए जो ऊपर में तुम्हें ये एरिया को टूल बार कहते हैं। इस टूल बार एरिया में जो सेकंड ऑप्शन है, यू कैन सी माय स्क्रीन, इस पे अगर मैं माउस रख रहा हूं तो लिख के भी आ रहा है मूव टूल। पहले सिलेंडर को सिलेक्ट करना है, फिर मूव टूल पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही ये दिखने लगेगा। अगर मैं हैंड टूल पे क्लिक करता हूं तो वो चला गया मूविंग ऑप्शन। सिलेंडर शैडो मैच नहीं हो रहा, शैडो को छोड़ दो अभी, विल कम बैक टू शैडो एंड ऑल द थिंग, बट अभी के लिए हम लोग मूव सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। So, move tool, और मैं इसे यूज करके ऊपर मूव कर सकता हूँ, नीचे मूव कर सकता हूँ, फिर से प्लेन नीचे चला गया, राइट, मेरा शैडो मैच हो गया। ये सारे ऑप्शन तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जस्ट प्ले अराउंड, ठीक है। कोई है जिसे मतलब जिनको अकाउंट और सेटअप जिनका नहीं है, फिर जिनका अकाउंट नहीं है उनको छोड़ के बाकी किसी को प्रॉब्लम हो रही है ये मूव नहीं हो रहा है? तुम्हें माउस को प्रेस करके रखना है, माउस लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, उसे रिलीज नहीं करना है, प्रेस करके फिर माउस मूव करो। और ऑल्ट बटन नहीं प्रेस करना है? नहीं, यहाँ पे ऑल्ट का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, माउस को क्लिक करो और उसे प्रेस्ड रखो, प्रेस्ड रखने के बाद मूव अराउंड, मूव योर माउस, ठीक है। जैसे ही प्रेस्ड होगा ऐसा कलर देखो येलो हो जा रहा है, ये सिलेक्टेड है तो। Okay. और जैसे ही माउस रिलीज करेंगे कलर चला जाएगा इसका। Okay. बेस्ट है तो आई होप कि सब लोग यूज कर चुके होंगे। अब मुझे चेक करना है कि ये सच में ग्राउंड पे आया है या नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, अगेन ऑल्ट की प्रेस करूंगा, फिर माउस का लेफ्ट की एंड इसे देखूंगा हॉरिजॉन्टली, क्या ये ग्राउंड पे है, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। मेरा सर थोड़ा सा ऊपर है। क्या क्या दबाना है सर? पहले ऑल्ट की दबाओ तो ये आई बन के आ जाएगा, आई बन गया। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाओ और दबाए रखो, उसके बाद माउस को मूव करो। मेरा समझ मेरा एकदम सही हो गया, मेरा बहुत ऊपर है तो उसे नीचे कर लो। तो मेरा दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर है, ये हैंड टूल से मैं इसे थोड़ा सा, मैं हैंड टूल यूज कर रहा हूँ, हैंड टूल के उसे अगेन लेफ्ट बटन प्रेस, थोड़ा सा नीचे लाऊंगा मैं स्क्रीन को। ओके, ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा बस नीचे करना है, तो मूव टूल मैं यूज करूंगा इसे हल्का सा और नीचे ले आऊंगा। एक और चीज, एकदम सही हो रहा है, awesome। एक और चीज, जो लोग इसे मूव करेंगे तो राइट साइड में इंस्पेक्टर विंडो में यू कैन चेक दैट कुछ वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे अभी वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है, 2.1 हो गया, फिर 2, फिर ऊपर करते 3 हो रहा है। जो इंस्पेक्टर विंडो है यहाँ पे आप लोग देखोगे, अगर मैं ऊपर मूव करता हूँ
तो ट्रांसफॉर्म जो कंपोनेंट है उसमें y का वैल्यू चेंज हो रहा है. ओके और इसे इधर मूव करो तो x का वैल्यू चेंज हो रहा है. तो ये माउस होल्ड रखना है, माउस लेफ्ट बटन दबाने से ये येलो हो जाता है. जैसे ही माउस मैं छोड़ूंगा येलो चला जाएगा. तो पहले सबको ये देखना है कि ये येलो है, येलो हो गया तब उसके बाद माउस को मूव करो, फिर ये मूव होगा. तो जिनको भी इशू आ रहे थे पहले तो ये देखो येलो है कि नहीं, नहीं है मतलब तुमने माउस रिलीज कर दिया. सर इंस्पेक्टर ने सर दिखा रहा था लेकिन सर अब सर मूव वाला भी सर काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है सर, और सर इंस्पेक्टर भी सर दिख नहीं रहा है. तो सबसे फिर से शुरू से तुम्हें स्टार्ट करना है. पहले सिलेंडर को सिलेक्ट करो फिर मूव टूल को सिलेक्ट करो. पहले सिलेंडर फिर मूव टूल, उसके बाद माउस को प्रेस करो और ये येलो हो जाएगा तब तो मेरा प्लेन ही उड़ रहा है ऊपर. मेरा प्लेन ही ऊपर है. प्लेन इसलिए उड़ रहा होगा क्योंकि तुमने प्लेन को सिलेक्ट कर लिया होगा. प्लेन को सिलेक्ट करना और प्लेन मूव करने लगेगा. तुम्हें सिलेंडर सिलेक्ट करना है. ठीक है एक और चीज है, हम लोग यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. यहाँ से इसका वैल्यू अगर मैं 40 कर देता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया. इसका वैल्यू अगर जीरो हो तो यहाँ पे है. वाई का वैल्यू मैं जीरो कर देता हूँ और जेड का वैल्यू मैं जीरो करता हूँ. ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द प्लेन आ गया है. अब ठीक है, अब मुझे करना क्या है, एक्चुअली मैं इसे प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ. जैसा तुम लोग मॉल्स में जाते होगे या फिर मे बी एयरपोर्ट पे भी आजकल एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, उसके ऊपर नई नई कार का डिस्प्ले लगा रहता है, मतलब नए कार रहते हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पे रखा रहता है. तो इस सिलेंडर को मैं कुछ वैसा बनाना चाहता हूँ, वो प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ. तो सिंस इस पे कार रखना है तो इस प्लेटफॉर्म का साइज काफी बड़ा होना चाहिए, प्लस इतना ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, हाइट थोड़ा कम होना चाहिए. तो मुझे इसे रीसाइज करना है, इसको चौड़ा करना है और हाइट कम करनी है इसकी. तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए आता है रिसाइज टूल, नॉट रेक्टो, विल यूज स्केल टूल. ठीक है, अच्छा यस सर. तो पहले आपको सिलेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपको स्केल टूल जो कि फोर्थ फोर्थ टूल है, हाँ उस पर क्लिक कर दो. नॉट राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक. अब क्या है, इसमें फिर से वही तीन चीजें बन के आई हैं. आपको माउस क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है माउस को, तो ये येलो दिखेगा. जब ये येलो हो चुका है तब अपना माउस मूव करो. अगर मैं इसे ऊपर मूव करता हूँ तो ये बड़ा होते जा रहा है, और मैं इसे नीचे मूव करूंगा ये छोटा होगा. तो इसे मैंने थोड़ा छोटा बना दिया. एक और चीज ध्यान रखना, जब मैं इसे छोटा या बड़ा कर रहा हूँ तो फिर से इंस्पेक्टर विंडो में तो लोग ध्यान दोगे तो वाई का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, अगर मैं बड़ा या छोटा कर रहा हूं तो. ठीक है, वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है. तो इसको इसका साइज और रिसाइज करने का तरीका एक तो ये है कि तुम ये रेक्टैंगल ये टूल यूज कर लो, स्केल टूल एंड चेंज इट. और जहां से भी रेक्टैंगल वैल्यू चेंज हो, जैसे मैंने 1 किया तो ये बड़ा हो गया, 10 करूंगा और बड़ा हो गया 10 वैल्यू देने पर. इसका वैल्यू मैं रख लेता हूँ 1.2 और या 1.2 विल बी फाइन. सिमिलरली ये टूल भी यूज कर सकते हैं इसे बड़ा या छोटा करने के लिए, सॉरी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऐसे. तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनका साइज यहाँ से सेट करूंगा और इसे 3 कर देता हूँ और इसे भी 3 कर देता हूँ. तो मेरा कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ. ऑल्ट फर्स्ट जैसे आई बन जाएगा, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके मूव माउस मूव करना. ठीक है, इसे मैं नीचे मूव कर देता हूँ पहले तो फटाफट से ग्राउंड पे लाने के लिए, और ये ऑलमोस्ट ग्राउंड पे आ गया है. तो मैंने इसे यहाँ पे मूव करके प्लेस कर दिया. अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे ऐसे 3 चाहिए. तो 3 कैसे बनाना है, तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे फिर से मैं सेव कर लूंगा स्क्रीन को. कंट्रोल एस दबा के इधर इस पेन में क्लिक करो और कंट्रोल एस. सर इसका साइज कैसे बढ़ाना है? साइज बढ़ाने के लिए पहले तुम्हें उसे सेलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद स्केल टूल पे जाना है. स्केल टूल पे जाके यू कैन रिसाइज इट इन व्हाटएवर डायरेक्शन यू वांट टू. मैंने इसका साइज यहाँ से भी तुम चेंज कर सकते हो, मैंने इसका साइज 0.2 रखा है.
ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे ऐसे तीन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। हाँ सर, अब सही हो गया। ऐसे ऐसे हम तीन प्लेटफॉर्म बनाएंगे और इन पे तीन कार्ड रखने वाले हैं हम लोग डिस्प्ले के लिए। ठीक है, तो अब दो और प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जाए, ऐसा सिलेंडर दो और कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे ये जो सिलेंडर है ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म दो और बनाना है ताकि मैं इस पे कार डिस्प्ले करने के लगाऊं। तो दो और कैसे बनाया जाए, और कंट्रोल डी दबा के। यस, एक है कंट्रोल डी जिससे डुप्लीकेट होता है, या फिर इस पे राइट क्लिक करना है सिलेंडर पे, सिलेंडर सिलेक्टेड, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये ऑप्शन डुप्लीकेट दिखा रहा था, मैं इस पे क्लिक कर लूंगा। तो यहाँ पे एक और सिलेंडर बन गया जिसका सब कुछ सेम है, साइज सेम है, पोजीशन सेम है, सब कुछ सेम है। तो मैं इसे अब उठा के कहीं और रखना चाहता हूँ दूसरे वाले को, तो सिलेक्टली तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर मूव टूल पे जाऊंगा और मूव टूल पे जाके इसे माउस होल्ड करके यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, सब लोग ये ट्राई करो। सर फिर से बताएंगे? हाँ मैं फिर से बताता हूँ। तो सबसे पहले फिर से बताने के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है मुझे ऐसा ही सिलेंडर चाहिए, जो प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है कार रखने का, ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे और दो और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगते हैं, उसमें से एक ऑप्शन है सिलेंडर को सिलेक्ट करते हुए सिलेंडर पे जाके राइट क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट ऑप्शन दिखा रहा है, तो डुप्लीकेट क्लिक करना है और एक डुप्लीकेट बन जाएगा जो कि उसी पर प्लेस्ड है एग्जैक्टली। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, मूव टूल पे यूज करूंगा एंड आई विल मूव इट। हमने दो सिलेंडर बना लिया है, मैं एक और बनाऊंगा, तो इस पे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो उससे डुप्लीकेट हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। सर सर एक डाउट है, और मैं स्केल टूल पे जाऊंगा और उसके बाद छोटा या बड़ा, इनफैक्ट ये भी बेटर होगा किसी को छोटा और किसी को बड़ा रखो प्लेटफॉर्म को, मे भी ज्यादा अच्छा लगे। मैं कुछ रिसाइज करने वाला हूँ, ये साइज ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, स्केल टूल यूज करके मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तीन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। तो अब हम लोग जो गेम खेलते हैं, गेम या फिर बनाते हैं, उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखती होंगी। 3D गेम्स में अगर जंगल है तो पेड़ पौधे दिखते हैं, घर है तो लकड़ी के वुड या फिर स्टोन्स दिखते हैं, और तुम लोग कोई गन वाला गेम है, शूटिंग गेम है, तो उसमें गन भी बहुत फैंसी फैंसी होते हैं और कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें, फिर कार रेसिंग हो तो कार बहुत ही फैंसी फैंसी दिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीज़ें जो तुम गेम में देखते हो, ये कहाँ से आता है, कौन बनाता है, या फिर कहाँ से आएगा, और तुम्हें अपने गेम में डालना है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपना जो यूनिटी देखते हैं एडिटर, तो इसमें 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट में क्यूब, स्फीयर, चलो एक स्फीयर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये स्फीयर है, और भी देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यूनिटी में, 3D में स्फीयर है, क्यूब है, कैप्सूल कैसा होता है। तो ये देखा जाए तो कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब, कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई फैंसी कार तो दिख नहीं रहा है या फिर गन तो दिख नहीं रहा है, सारे बेसिक बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं 3D में। ठीक है, मैं स्क्रो, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ट्री, चलो ट्री देख लेते हैं कैसा होता है ट्री, मुझे नहीं पता, मैं ट्राई शायद नहीं किया। ओके तो ट्री देख, ओके ये ऐसा कुछ ट्री आ रहा है जो कि कुछ अच्छा ट्री तो है नहीं, बेसिक सा कुछ बस लॉग है ये। तो देखा जाए सारे ऑप्शंस में कुछ फैंसी ऑप्शन है नहीं, मान लो मुझे कार ऐड करना है, तो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कार, ट्री भी पता नहीं कैसा ट्री है, ऐसा ट्री कोई मतलब नहीं है। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, डिलीट, कैंसिल को भी डिलीट कर देता हूँ,
You guys can also try after the class. You can play around with these options like capsule. कुछ अच्छा सेव बनाने की कोशिश करना है. जैसे मैं इसे स्फीयर को लूंगा, करते हैं स्फीयर का साइज बढ़ा देते हैं. साइज बढ़ाने के लिए या तो तुम्हें स्केल टूल यूज कर लो या फिर यहाँ से स्केल का वैल्यू चेंज कर दो. 3 and 3 ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सा होगा. इस कैप्सूल को मैं इसके नीचे डाल दूंगा. आई डोंट नो, शायद कुछ टावर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. ठीक है, यू कैन प्ले अराउंड विद दीज ऑप्शंस. अभी के लिए मैं इन दोनों को हटा देता हूँ स्क्रीन से. मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और डिलीट. ठीक है, तो अब मुझे अपने गेम में एक फैंसी सा कार डालना है. कार कहाँ से आएगा? यूनिटी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कार ऐड करने का. वीडियोजिट में कोई भी कार है नहीं. लाइट्स, इफेक्ट्स, पता नहीं ये सब क्या ऑप्शन है, बट इन सब में कोई भी कार का ऑप्शन है नहीं. तो कार कहाँ से आएगा? तो होता क्या है कि ये जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, मे बी कार, मे बी गन, तो ये सब लोग, कुछ लोग बनाते हैं. उनके अलग अलग टूल्स होते हैं जहाँ पे बनाते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स. और जैसे कि फोटोशॉप एक टूल है जहाँ पे हम लोग 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ 3D ऑब्जेक्ट बनते हैं. 3D ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डाली जाती है. तो लोग ये सारा चीज बनाते हैं और बनाने के बाद इसे एक यूनिटी का स्टोर है वहां पे अपलोड कर देते हैं. सेम तुम्हारे गूगल प्ले स्टोर की तरह, जहाँ पे लोग एप्स बनाते हैं और ऐप बना के अपलोड कर देते हैं. इनमें से कुछ ऐप फ्री होते हैं और कुछ ऐप चार्जेबल होते हैं. ओके, सो वैसा ही यूनिटी का एक स्टोर है जहाँ पे एसेट्स रखे रहते हैं. और एसेट्स हैं क्या? जैसे एक ब्यूटीफुल कार, वो भी एक एसेट है. मे बी ट्री एंड मे बी अ गन. तो यूनिटी स्टोर में दो अच्छे अच्छे एसेट्स बनाते हैं, अच्छे से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उसे वहाँ पे अपलोड कर देते हैं. और सेम जैसे हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं एप्स, वैसे ही वहाँ से हम लोग एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ एसेट्स फ्री होते हैं और कुछ एसेट्स चार्जेबल होते हैं. तो अभी के लिए हम लोग फ्री वाला देखेंगे. तो मान लो मुझे कार डाउनलोड करना है, तो कार कैसे आएगा? तो सबसे पहले मैं ब्राउजर पे जाऊँगा. ब्राउजर पे जाके आई विल राइट, आई विल सर्च फॉर यूनिटी एसेट्स. इसके लिए जो नेशन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे एक वीडियो डाला हुआ है. अगर कुछ लोग पीछे छूट जाए, फिर नेटवर्क बहुत खराब है उनका, स्लो है, तो वो उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं इफ दे आर नॉट एबल टू फॉलो हियर. सो यूनिटी एसेट्स सर्च करेंगे. सब लोग सर्च करो यूनिटी एसेट्स और उसके बाद सेकेंड लिंक पे क्लिक करना है. एसेट जो कि लिंक है एसेट स्टोर डॉट यूनिटी डॉट कॉम. इस लिंक पे क्लिक करो और कुछ ऐसा खुल के आएगा जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. ओवर 11,000 फाइव स्टार एसेट्स, इतने सारे कस्टमर आइडेंटिफाइड. कुछ लोगों के लिए ये ऑटोमेटिक लॉगिन आ सकता है. यहाँ पे तुम्हारा यूजर नेम दिखा सकता है. और कुछ लोग के लिए हो सकता है लॉगिन नहीं दिखाए, ऐसा ऑप्शन दिखाए. तो आप लोग करना क्या है, साइन इन बटन प्रेस करना है. ठीक है, एक काम करते हैं, जिनका साइन इन आ रहा है ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, जिनका साइन इन नहीं आ रहा है उनके लिए मैं यहाँ से साइन आउट कर दूंगा एक बार. और जिन्होंने अपना अकाउंट नॉर्मल तरीके से, सर मेरा हो गया. ओके गुड. तो जिन्होंने अपना अकाउंट ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर बनाया था वो अपना ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे. जैसे कि अंदर गुप्ता का मैं यूज करूंगा जो अकाउंट था, और पासवर्ड यहाँ पे जो कि मैंने रखा था gaming@123, ये डाल के मैं यहाँ पे साइन इन कर सकता हूँ, विच इज वन ऑप्शन. जिन्होंने अकाउंट अपना ऐसे बनाया था वो ऐसे लॉग इन कर सकते हैं साइन इन. और अदरवाइज जो आसान ऑप्शन है जो कि लोगों ने किया था पहले, सब मैंने गूगल से करा. गुड, हम लोग भी गूगल से भी करने वाले हैं. जिनका ऐसे ना अकाउंट बन के साइन इन विद गूगल करने वाले हैं, साइन इन विद गूगल करने से ये बहुत अच्छी था. ठीक है, मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया. जो भी प्रोसेस होगा गूगल के साइन इन का वो मैं फॉलो करूंगा. अगर पासवर्ड मांगते तो पासवर्ड दूंगा और फिर अदर प्रोसेस. ओके awesome. So I am logged in with this account. यहाँ पे अब बहुत सारे एसेट्स पड़े हुए हैं.
जिनके बारे में बहुत सारा डिटेल्स दिया होगा। मुझे ना मुझे कार डाउनलोड करना है, कार सर्च चाहिए मुझे। तो कार कैसे डाउनलोड होगा? तो पहले मैं कार सर्च करूंगा। Everyone is following this, right? You know, on this page. सब लोग इस पेज तक आ चुके होंगे और लॉगिन। Can you wait for 2 minutes? I have to sign in. Sure. सब लोग लॉग इस पेज पे आ जाओ, लॉगिन कर लो। जिनका हो चुका है वो यहाँ पे कार लिखें और इंटर बटन प्रेस कर दें। वो करने से यहाँ पे नीचे में सारे कार्स ऑप्शन सेलेक्ट। सर 3D में जाके कार पे करना है। ऊपर में सर्च बार आ रहा होगा सबका। सर्च बार पे कार लिखना है। अच्छा हाँ सर। और इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कार्स आ सकते हैं, आ रहे हैं। यहाँ पे दो प्रॉब्लम है स्पेशली मेरे साथ या फिर इस ग्रुप के साथ। कुछ लोगों के पास लेटेस्ट वर्जन यूनिटी का लेटेस्ट वर्जन है और कुछ लोगों के पास पुराना वर्जन है विच इज 5.6 और 5.7। और ये जो जैसे ऐप्स भी होते हैं, एंड्रॉयड का पुराना वर्जन होता है और नया वर्जन होता है। कुछ लोग पुराना फोन यूज करते हैं, कुछ लोग नया फोन यूज करते हैं। और कई सारा ऐप्स पुराने फोन पे नहीं चल पाता है, वो सिर्फ नए फोन पे ही चलता है। कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं। तो सर फ्री वाली कार लेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिल्टर्स लगा हुआ है। तो हम लोग फिल्टर लगा के कुछ कुछ चीजें सही करने वाले। जैसे हम लोग को 3D कार चाहिए, तो पहले मैं 3D सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे सिर्फ 3D का दिखाएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं तो प्राइसिंग है। प्राइसिंग को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे प्राइस रेंज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे फ्री कार ही चाहिए अभी के लिए, तो मैं फ्री एसेट पे क्लिक कर लूंगा। अब मुझे ये सारे फ्री कार्स ही दिखाएगा, सारे फ्री वाले ही दिखा रहा है। एंड द लास्ट स्टेप इज यहाँ पे यूनिटी वर्जन। सिंस मुझे इंश्योर करना है कि जो भी एसेट मैं यूज करने वाला हूँ, क्लास के बाद आप लोग कोई भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग क्लास क्योंकि मुझे यूनिटी 19 करना है। नहीं, हाँ, जिनके लिए 19 है वो 19 कर सकते हैं, बट फॉर नाउ ड्यूरिंग दिस क्लास अभी के लिए हम लोग ये लेने वाले हैं। अगर 5.x लेंगे तो 5 पे तो चलेगा ही चलेगा जो लोग पुराना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, प्लस बाकी सब पे तो चलेगा ही जो उसके ऊपर ऊपर में है। तो इस क्लास के लिए हम लोग ये सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अभी सर मेरे दूसरी कार्स आ रही हैं फ्री में, व्हिच इज फाइन। वो सर्च पे यूनिटी अपने हिसाब से कोई भी दिखा सकता है, व्हिच इज ओके। सर मैं ये एचक्यू रेसिंग कार सिलेक्ट कर लूं? रुक जाओ, क्लास के बाद ये सब तुम सबका होमवर्क है। जो भी तुम्हें सुंदर लगे, जो भी मन करे वो तुम यूज कर सकते हो। रेटिंग देख लेना किसका रेटिंग अच्छा है, उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। बट सर 3-star 4-star ऐसा कुछ कुछ है। हाँ, जैसे कि हेलीकॉप्टर और पुलिस का, आई डोंट नो, मतलब ठीक है मैं। बट क्लास के बाद तुम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। अभी के लिए क्लास के लिए मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो दैट ओनली। लाइक जिनका 2019 है वो ये भी सिलेक्ट करके, बहुत सारे उनको एक्स्ट्रा क्लास ऑप्शन दिखेंगे। ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है ताकि जिनके पास पुराना लैपटॉप है उन पे भी चले और नए वाले पे तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सो पहली बार सब लोग पहले मेरे साथ प्रोसेस देख लो, एक बार ये देख लेना, प्लस इसका वीडियो भी अपलोडेड है उसे भी देख के सीख लेना। उसके बाद तुम लोग खुद से एसेट्स नए नए एसेट जो पसंद है वो ट्राई करना। तो हम लोग अभी के लिए ये कार यूज करने वाले हैं। टू माय एसेट्स कर दे, ऐड टू माय एसेट्स। डोंट, जो आगे चल रहा है डोंट आस्क क्वेश्चंस, फॉलो मी एंड आई विल गो थ्रू दिस, आई विल गो थ्रू ऑल सच स्टेप्स। डोंट लाइक, इट्स जस्ट वेस्टिंग। ये सही क्लिक करा है सर आपने, तो जो पसंद आ रही है उसको क्लिक करा, तो ये मैं कार क्लिक कर रहा हूं। सब लोग इस कार को करेंगे अभी के लिए, आफ्टर द क्लास दे कैन ट्राई। सर मेरे सर स्क्रीन पे सर वो कार नहीं दिखा रही है। ठीक है, अगर ये कार नहीं दिख रहा है जो कि दिखना चाहिए, तो हाँ ठीक है, ये यूआरएल ही मैं देता हूँ, बेस्ट है। तुम लोग सर मेरे पे सर पुलिस वाली सर दिख रही है। ठीक है, ये तुम लोग को ये कार अभी के लिए करना है फॉर दिस क्लास। आफ्टर द क्लास यू कैन ट्राई एनीथिंग। अब क्या है, यहाँ पे इस एसेट्स का नाम लिखा हुआ है, समथिंग कार सेडर फ्री है, गुड न्यूज। इसका साइज कितना है, अगर मैं इसे डाउनलोड करने वाला तो कितना, क्योंकि अगर इसका साइज बहुत ज्यादा है, ये
11 MB के अराउंड है, विच इज काफी छोटा ही, बहुत बड़ा नहीं है। अगर इसका साइज बहुत बड़ा होता है बहुत टाइम लेता, ठीक है, तो साइज देख लेना एक बार तुम लोग जो भी कभी। इसके और भी इमेजेस हैं जो तुम लोग देख सकते हो ताकि एग्जैक्टली है कैसा पता चले। यहाँ तो बहुत फैंसी दिख रहा है, आई डोंट नो सर, लास्ट वाला इमेज कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, जिसका नंबर प्लेट यूनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। एक और खास बात जो सबको ध्यान देना चाहिए, स्पेशली वो जिनके पास लोअर, जिनके पास पुराना कंप्यूटर है 5.6 या 5.7 इंस्टॉल किए हैं, कौन सा यूनिट इज दिस एसेट इज सपोर्टेड टू देम और नॉट। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि 4.2 से और इससे हायर जो भी है इन सब पे सपोर्टेड है, विच इज अ गुड न्यूज। सो ये सब पे चलेगा, ठीक है। तो जिनके पास पुराना लैपटॉप है दे शुड चेक दिस, जिनके पास नया है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास 2019 इंस्टॉल्ड है, 2020 इंस्टॉल्ड है, वो उनपे तो सारे एसेट्स चलेंगे, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ डिटेल्स रहता है, जैसे कि कार है, यू कैन डायरेक्टली यूज इट एंड ऑल, एंड ठीक है, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। तो हम लोग इसे इस बटन पे क्लिक करेंगे, एड टू माय एसेट। कुछ तो चीजें एक्सेप्ट करने का है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एड टू माय एसेट्स, एक्सेप्ट बटन एक्सेप्ट कर लेना। ये जैसे ही होगा सब लोग को ये पॉपअप दिखेगा, जिसमें दो ऑप्शंस हैं, गो टू माय एसेट्स एंड ओपन इन यूनिटी। तो हम लोग ये बटन क्लिक करने वाले हैं ओपन इन यूनिटी, और फिर से पॉपअप आया जिसमें ओपन इन यूनिटी एडिटर, विच इज दिस एडिटर वी आर ऑलरेडी ओपन इन। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, कैंसिल करेंगे नहीं। इसके बाद ये कुछ एक मिनट लेगा, यहाँ पे लोडिंग पैकेज दिखा रहा है, कुछ एक दो मिनट में ये लोड कर लेगा। जिनका सिस्टम स्लो है उसमें थोड़ा सा और टाइम ले सकता है। फेचिंग पैकेजेस, हाँ बोलो। यहाँ पे सेम डिटेल्स दिखा रहा है, 10 MB का, ऑलमोस्ट 11 MB का फाइल है, और ये कार्स के फोटोज दिख रहे हैं। मैं भी डाउनलोड प्रेस कर दे रहा हूँ। मेरा तो सर बहुत धीरे डाउनलोड चल रहा है। डाउनलोड हो गया, गुड। डाउनलोड होने के बाद तुम लोग को इम्पोर्ट बटन इनेबल हो चुका होगा, तो इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड होने के बाद ये जो डिसेबल्ड स्टेट में है वो इनेबल हो जाएगा, तो उसके बाद इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करना है। मेरा तो 25% हुआ अभी, ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर इम्पोर्ट को क्लिक कर देंगे? हाँ कर लो, जिनका हो चुका है वो लो इम्पोर्ट बटन क्लिक कर ले। इससे कुछ बहुत से हार्ड सरफेस फ्री कुछ आया? सॉरी क्या है सर? अब तेज हो रहा है सर, नेक्स्ट स्पीड जल्दी होगी। सर एक बार सर इंपोर्ट करने के बाद सर फिर से सर इंपोर्ट करने के लिए कुछ और आया? हाँ चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, जो लोग पीछे छूट चुके हैं यूट्यूब पे वीडियो है स्टेप बाय स्टेप, प्लीज चेक द यूट्यूब वीडियो, मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ। सर उसे ऐड टू लिस्ट करना है कि ओपन इन यूनिटी? ओपन इन यूनिटी करना है सर। वो नहीं हो रहा ओपन इन यूनिटी में। तुम्हारा यूनिटी ऑलरेडी खुला है क्या प्रोजेक्ट? ये यूनिटी, ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है क्या? स्क्रीन, ये स्क्रीन खुला है क्या? खुला है, ठीक है। तो जिसको इशू आ रहा है क्लास के बाद हम लोग सिंक अप करेंगे आफ्टर द क्लास, ओके। तो यहाँ पे ये स्क्रीन दिखाता है कि इस एसेट्स में बहुत सारे फाइल्स हैं, मैंने कितने सारे फाइल्स हैं। तो ये कहता है क्या तुम्हें सारा डाउनलोड करना है या फिर कुछ ही सिलेक्ट करके डाउनलोड करना है? बाय डिफॉल्ट प्री सिलेक्टेड सारे सिलेक्टेड हैं, सिंस मुझे, तो अगर मुझे कुछ डाउनलोड नहीं करना है तो मैं उसे अनचेक कर दूंगा, बट सिंस मुझे सारा चाहिए तो मैं सब कुछ चेक करूंगा, ऑल चेक, एंड देन आई मीन बाय डिफॉल्ट सारे सिलेक्टेड रहते हैं, तो कुछ करना नहीं है, आप बस इंपोर्ट पे क्लिक कर दो। आवाज थोड़ी धीरे आई, जो भी बोल रहा था फिर से बोलना होगा। जब ये इम्पोर्ट हो चुका है तो इस विंडो को हम लोग बंद कर सकते हैं, तो ये मैं क्लोज कर दूंगा। हाँ प्लीज गो अहेड। ओके मैंने सिंग समथिंग,
किसी की आवाज बहुत धीरे आती है, आई डोंट नो, अगर वो आपस में बात करें तो म्यूट कर ले। सर एसिक्स में अब एक कार मॉडल का भी ऑप्शन आ गया। यस एग्जैक्टली, तो जैसे ही तुम ये इंपोर्ट करोगे तो एसिक्स देखोगे। प्रोजेक्ट में कार नहीं है। और प्रोजेक्ट में कार मॉडल नहीं आया। आगे सर आगे। तो एसेट्स में जैसे ही इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, तो सब में ये आ चुका होगा एक नया फोल्डर कार मॉडल। इस फोल्डर को देखा जाए तो इसमें तीन चीजें हैं, समथिंग हार्ड सरफेस मॉडल्स, प्रीफैब्स एंड सीन। हम लोग इसमें प्रीफैब्स में जाएंगे और प्रीफैब्स को देखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर। सर कहां पे जाएंगे सर? कार मॉडल पे जाओ और कार मॉडल में प्रीफैब्स फोल्डर है। प्रीफैब्स क्या होता है ये कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से बातें सीखेंगे, अभी के लिए तुम्हें प्रीफैब्स फोल्डर पे जाना और यहाँ पे तुम्हें ये फैंसी सा कार दिखेगा। बेस्ड ऑन छोटा या बड़ा दिख सकता है, तुमने इसमें क्या रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे ये कार यूज करना है, इस प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा इसमें बहुत एक तो एक और बना लेते हैं, तीन सिलेंडर हो गया, मूव टूल का यूज करके प्लेटफॉर्म पे मूव कर लेता हूँ, सेव कर देता, ठीक है। अब ये मुझे कार यूज करना है तो कैसे मैं सीन व्यू में लाऊं, तो इसका बहुत बहुत आसान सा तरीका है। एक तो इसे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है ना, ड्रैग करके तुम कार को डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो, प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट रख सकते हो, या फिर इसे उठा के यहाँ पे इस हायरार्की में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो चलो मैं यहीं पे डालता हूँ, तो मैंने इस कार को रख दिया। मुझे तीन कार चाहिए, अब यहाँ पे देखेंगे ये है कहाँ पे एग्जैक्टली, थोड़ा सा अलाइनमेंट सही करेंगे, ये हवा में उड़ रहा है। तो इस कार को सिलेक्ट किया जो कि कार यहाँ पे दिख रहा है, कार मॉडल, इसे मैं नीचे रख लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये हवा में दिख रहा है, मुझे इसे नीचे ले जाना है, तो फिर से मैं कार को सिलेक्ट करूंगा, फिर मूव टूल पे जाऊंगा, मूव टूल पे जाके इसे नीचे लाते हैं और ये प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट आया है, ऊपर से देखते हैं तो ये प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ठीक है, ये अभी भी हवा में है, इसे और नीचे लाते हैं, ये ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। तो टायर वैसे के वैसे कार ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैंने सही से रख दिया। मैंने सही से रखने के लिए क्या किया है, मैंने कार को सिलेक्ट किया और कार को सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल मैंने सिलेक्ट किया, मूव टूल सेलेक्ट करते ही ये एरोज आ जाएंगे, आपको बस इसे प्रेस करके ऊपर नीचे जैसे भी एडजस्ट करें तो इट एडजस्ट। चलो इसे टॉप से देखते हैं एक बार, तो ये किसने किया भी जैसे anyone able to do that? किसी कोई इशू आ रहा है क्या कार को सीन में लाने में या फिर कुछ भी? No sir. Are you able to do it? No sir, बढ़िया हो गया। उनको जूम इन जूम आउट करना है तो वो माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, नहीं ऑल्ट की दबाएंगे फिर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद माउस मूव करना है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। पहले ऑल्ट दबाएंगे फिर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे फिर माउस मूव करना है। इनका स्क्रॉल काम नहीं कर रहा होगा, इनका काम करो उनका तो आसान है। ठीक है, तो ये मैंने एक कार डाल दिया जो कि बहुत सही से प्लेस्ड है। सर ये कार में तो सर अपन को बहुत सारी चीजें, मतलब टायर को भी, जो टायर है उनको भी सर ऊपर नीचे करना, अलग अलग उसमें वो है कार में। कार में रहता है और इस कार में भी है, कुछ का अलग अलग है। यस, इसमें सब कुछ अलग अलग होता है। अगर देखा जाए इस कार मॉडल को तुम देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, व्हील्स है, बॉडी है, ग्लास, सब कुछ अलग अलग है। इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे, बाद में जानेंगे, अभी के लिए अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे हर एक प्लेटफॉर्म पे एक कार रखना है,
तो मैं क्या करूंगा, इसे डुप्लीकेट कर लूंगा, और मैं डुप्लीकेट करने के लिए इस पर कंट्रोल डी बटन दबाऊंगा, कंट्रोल डी एंड एक बार और कंट्रोल डी। तो मेरे पास तीन कार आ गए, तीनों कार एक ही एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। फिर मैं दूसरा कार सेलेक्ट करूंगा, मूव टूल पे जाऊंगा, मूव टूल यूज करके इसे मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे रख दिया। फिर मैं थर्ड क्लास कार सेलेक्ट करूंगा और उसे मैंने थर्ड प्लेटफॉर्म पे रख दिया। ठीक है, अब ये जो है तीनों कार एक ही साइड फेस कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इनका फेस थोड़ा सा अलग करूंगा। तो फेस अलग करने के लिए मैं रोटेट टूल का यूज करूंगा। ये जो थर्ड था अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, रोटेट टूल है। तो इस पे मैंने क्लिक किया। क्या सब लोग यहाँ तक आ चुके हैं? तीन कार प्लेटफॉर्म, तीन कार आ चुका है क्या? yes, sir. एक काम करते हैं, एक और चीज में पता नहीं मुझे करने मन कर रहा है कि मैंने सेकेंड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया और मैं स्केल टूल यूज कर रहा हूँ और इसे थोड़ा सा ऊपर रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसे पहले मैं ऊपर करूंगा, फिर इसे कार को भी ऊपर करूंगा मूव टूल यूज करके। ठीक है, अब ये जो पहला कार है मेरा, उसे मैंने सिलेक्ट किया। अब रोटेट टूल जो अभी तक हमने यूज नहीं किया था उसपे मैं क्लिक करूंगा और इस कार को मैं हॉरिजॉन्टली थोड़ा घुमाना चाहता हूँ, इस साइड फेस कर रही है राइट साइड में। तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है उसे मैंने पकड़ा, प्रेस किया और ऐसे ही घुमा दिया। ठीक है, सेम दूसरे कार के लिए, दूसरे कार पे मैं गया, रोटेट टूल मैं सेलेक्ट करूंगा और इस कार का ये जो ग्रीन लाइन है क्या, इसे ऐसे थोड़ा मूव कर दूंगा। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोग मूव करोगे तो ये जो वाई वैल्यू है रोटेशन में, जो वाई वैल्यू वो चेंज हो रहा है। जैसे मैं अभी मूव करने वाला, तो इसका चेंज हो रहा है। ये आप लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं या फिर यहाँ से मैं 30 सेट कर देता हूँ। थर्ड कार का जो है इसका मैं यहाँ से रोटेशन सेट करने वाला हूँ, तो इसका एंगल 45, तो उधर चला गया -45 देखते हैं। ये एक्चुअली तुम्हें 3D व्यू मिल नहीं रहा है पहला, क्योंकि ये सीन व्यू है, गेम व्यू थ्री में आ रहा है और थोड़ा सा साइन यहाँ पे कम आ रहा है। ये गेम थोड़ा सा साइन इसमें कम आ रहा है सर। और सर ग्लासेस जो है, ग्लासेस का प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली मुझे सर, हाँ सर, मुझे वो YouTube चैनल का थोड़ा डाउट था। वो बहुत सारे न्यूज़ टीन आ रहे हैं सर सब्सक्राइब करने के लिए, कौन सा वाला करना है? बताता हूँ, आई एम शेयरिंग इन ऑल वर्ड्स। हाँ, ये बेटर है। न्यूज़ का तो ये है न्यूज़ लिंक, बट ये तो मैं देख लो, ये नील लिंक है और ये आइकन है। ठीक है, ये आइकन है और ये लिंक है। तुम लोग वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वो भी तुम्हें पता ही होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया गया, तो वहां से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक सब लोग कर लिए या फिर किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? एनीवन हु इज लेफ्ट बिहाइंड? सर मैंने भी सर 3 मिनट खा रहे खड़ी कर। गुड, ये जो वीडियो है एसेट्स डाउनलोड करने का, वो वीडियो न्यूज़ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। और इसके जो टूल्स है, यस मार्क सक्सेना प्लीज गो अहेड। ठीक है, सो होपफुली यहाँ तक सब लोग कर चुके हैं। और यूनिटी नया प्रोजेक्ट बनाना एंड यूनिटी से एसेट डाउनलोड करना, इन दोनों का वीडियो वहाँ पे हमने डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे। आज हमने सीखा क्या, तो ये जो यूनिटी एडिटर है, इस यूनिटी एडिटर में जो भी चीज़ें दिखती हैं, हायरार्की विंडो, सीन व्यू, इंस्पेक्टर, प्रोजेक्ट विंडो, तो इन सब का क्या मतलब है एंड हाउ टू यूज इट। सो
जैसे मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सीन है जहाँ पे किसी एक गेम का एक सीन होता है, दैट कैन बी अ 3D सीन और दैट कैन बी अ 2D सीन, बट वन गेम वन सीन। ये जो पार्ट है जो कि हायरार्की विंडो है, इसमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि हम लोग एक सीन में यूज कर रहे हैं। तो इस सीन में हमने तीन कार यूज किया है, तीन सिलेंडर है जो कि प्लेटफॉर्म हम लोगों ने यूज किया है, हमने एक प्लेन बनाया है जिसके ऊपर सारी चीजें रखी हुई है, इसमें कैमरा और लाइट है जो कि हम लोग बाद में सीखेंगे। तो ये सीन है जिसका नाम सैंपल सीन है। और ये जो विंडो है, इस विंडो में, इस गेम में जितनी भी चीजें यूज होने वाली हैं वो सारे यहाँ पे पड़ा रहता है। जैसे एक कार हमने डाउनलोड किया वो भी यहाँ पे इस फोल्डर में दिख रहा है, और सीन्स भी यहाँ पे सेव रहते हैं। सैंपल सीन है एक, और उसमें मैंने फालतू सा सैंपल 2 बनाया था। तो ये हमें सीखा है, और इसका भी वीडियो कुछ देर के बाद एडिट करके हम लोग इसमें यूट्यूब पे डाल देंगे, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव 2 वीडियोस ओवर देयर व्हाटएवर वी कवर्ड टुडे, so who is not lagging behind or disconnected somehow, go through those videos. जिनका भी अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा था वो लोग अभी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कभी भी व्हाट्सएप पिंग करें, हम लोग उन्हें हेल्प करेंगे। जो लोग पहला क्लास मिस किए हैं उसके लिए वीडियो पढ़ा है न्यूज़ पे, और ग्रुप पे भी हमने मैसेज डाला है कई बार ये वीडियोस देख लें, तो उसे फॉलो करके सब कुछ सेटअप कर लें। और आज का भी वीडियो 2 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और तीसरा भी हम लोग बहुत जल्दी डालने वाले हैं, तो सब लोग फॉलो कर लेना। और तुम लोग के लिए टास्क और या फिर होमवर्क ये है कि यहाँ पे हमने एक कार इंपोर्ट किया, तुम खुद से जाओ दूसरी कार और भी कार देखो जो पसंद आए, और उसे इंपोर्ट करो और यूज करने की कोशिश करो। क्रिएटिव सा सेव करना है ना। एक और चीज था कि हमने जो कार लिया था उसमें मैंने एक फिल्टर लगाया था। यहाँ पे फिल्टर वॉज कि हमने जो यूनिटी वर्जन रखा था वो ऑल से हटा के हमने ये रख लिया था, क्योंकि मैं चाहता था वो एसेट्स यूज करना जो कि सबके लिए काम करे, सबके लिए। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोग वो है जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है यूनिटी का, सो दे नीड नॉट टू सेलेक्ट दिस थिंग, दे कैन आइदर सेलेक्ट ऑल और मे बी दिस थिंग, जस्ट कीप इट ऑन ऑल, दैट विल बी बेटर। कीप इट ऑन ऑल एंड जस्ट यूज, लाइक इफ यू सेलेक्ट ऑल देन यू विल गेट मोर ऑप्शंस, इफ यू सेलेक्ट दिस थिंग यू विल गेट अ बिट लेस ऑप्शंस। एंड जिनके पास 5.6 है उनको तो ये सिलेक्ट करना ही है, एंड देन स्टार्ट इम्पोर्टिंग सम न्यू एसेट्स। 3D भी सिलेक्ट कर लेना, 3D सब सिलेक्ट करेंगे, और प्लस फ्री भी, ये फ्री यूज करो। अगर फ्यूचर में कभी लगा कि तुम्हें पे करना चाहिए एक अच्छे गेम के लिए तो, बट ऐसे फ्री में बहुत अच्छे एसेट्स हैं, अभी के लिए फ्री ही यूज कर लेना, ठीक है। तो हम लोग 3D सिलेक्ट करके रखेंगे, फ्री भी रखेंगे, ये जो है ये और रख सकते हो जिनके पास नया लैपटॉप है, जिनके पास पुराना है, जिन्होंने 5.67 डाउनलोड किया है वो ये सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे बहुत एक अच्छा कार है, बट इसकी रेटिंग देख लेना, जिनकी रेटिंग अच्छी है वो डाउनलोड करना। सर सर वो यूनिटी में अपन जो जिसमें कार रख रहे थे वाला टैब मेरे से गलती से हट गया है, उसको फिर से कैसे लाएंगे? ये हट गया है, इसके हटने के कई वजह हो सकते हैं। एक काम कर लो, सबसे पहले यहाँ पे लेआउट दिख रहा होगा सबको, सर इसको सेव कैसे करना है? हाँ, कंट्रोल एस यहाँ पे जाना और कंट्रोल एस बटन दबा दो, सब लोग सेव करना, प्रोजेक्ट खत्म करने से पहले सेव करना है। इनफैक्ट तुम लोग क्लोज भी करोगे तो वो पूछेगा सेव करना है, डोंट सेव करके क्लोज करना है, तो तुम लोग सब लोग सेव करोगे अपने काम को। इनफैक्ट ये यहाँ पे क्लिक करना और कंट्रोल एस, ठीक है। जिनका हट गया, कई बार हो सकता है ये व्यू चला जाए, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और लेआउट में डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे। तुम एक बार करके देखो क्या हो रहा है। सर आ गया, ठीक है गाइस, तो विल एंड अप टुडे हियर। वीडियोस देख लेना और नए नए एसेट्स ट्राई करो, और तुम लोग इस व्यू को और भी सुंदर बना सकते हो, और भी अच्छा बना सकते हो, नया कार जो भी डालना है डालो। इस प्लेन का साइज भी मैं बढ़ा सकता हूँ यूजिंग स्केल टूल, स्केल टूल के यूज से मैं प्लेन का साइज बढ़ा सकता हूँ, तो प्लेटफॉर्म पे और भी जगह हो जाएगा और तुम लोग बहुत कुछ रख सकते हो। तो ये सब चीजें करो और इसमें नए नए एसेट्स डालो, अभी कार के लिए कार के एसेट्स डालो बेटर रहेगा, और प्लेटफॉर्म कुछ भी तो ट्राई करो, और कुछ चीजें बनाओ और हमें फोटो भेजो ग्रुप पे,